चलिए आज हम लोग सीखेंगे सीलिंग फैन की बाइंडिंग करना, यानी कि ये जो छत वाला पंखा है उसकी बाइंडिंग करेंगे। और ये जो फैन है देखिए सूर्या कंपनी का फैन है, सूर्या फैन शक्ति, सूर्या शक्ति कंपनी का है। और ये देखिए इसमें क्या, ये 1200 mm में फैन है और इसका जो वोल्टेज है वो 220 और 230 वोल्ट पे ये काम करता है, एसी सप्लाई यानी अल्टरनेटिंग करंट से और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। और इसका जो आरपीएम आएगा वो 400 आरपीएम आएगा, यानी राउंड प्रति मिनट, मतलब ये मोटर बाइंडिंग होने के बाद एक मिनट में 400 राउंड घूमेगा। आखिर इसकी जो बाइंडिंग करनी हमें, हम इसका देखेंगे। अभी जो इसके अंदर बाइंडिंग है वो कंपनी की बाइंडिंग है, इसका डाटा हम निकाल कर भी आपको दिखाएंगे, गिन के भी दिखाएंगे कि इसके अंदर जो पहले से बाइंडिंग की गई है वो कितना डाटा है इसका, मतलब कितना टर्न लपेटा गया है। और हम इस गेज से इसके वायर को भी चेक करके दिखाएंगे कि जो इसके अंदर डाटा भरा गया है वो कितने नंबर से भरा गया है। तो सबसे पहले हम आपको इसको चेक करके दिखाते हैं कि किसी भी पंखा को हम पहले चेक करें आखिर क्या इसको फिर से बाइंडिंग करना जरूरी है, क्या बिना बाइंडिंग के काम नहीं चल सकता। तो चलिए हम इसको चेक करवाते हैं। सबसे पहले चेक करिए इसको, देखिए सबसे पहले हम यहां पर अपने बोर्ड में इसको पावर लगा देते हैं, डायरेक्ट सप्लाई चेक कर लीजिए आ रहा क्या है। देखिए ये सीरीज का हमारा बल्ब है, जलेगा और इसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। देखिए यहां से इस प्रकार से हमारा ये बल्ब जल रहा है सीरीज वाला, और यहां से चेक करिए किसी भी दो तारों पे रखेंगे पहले। अब देखिए ये बल्ब अगर पूरा फुल जल रहा है तो फुल जलने का मतलब ये होता है ये कहीं ना कहीं से शॉर्ट है, पावर कनेक्टिंग डायरेक्ट जा रहा है। किसी दूसरे पर रख करके दिखाइए, अगर देखिए ये डायरेक्ट पूरा फुल ना जले और कम जले, तो कम जलेगा अगर जहां पर, तो समझिए वहां पे क्या है, ये बाइंडिंग सही है और इस पर सही कंटिन्यूटी जा रही है। बल्ब का मतलब, अगर डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सीधा पहुंच गई, लेकिन अगर कम जल रहा है मतलब रेजिस्टेंस बन के जा रहा है, मतलब बाइंडिंग सही है। लेकिन जिस पे डायरेक्ट जल रहा है मतलब वो जो वायर है वो शॉर्ट सर्किट है, वो कहीं शॉर्ट है। इस नट पे चेक किया जाता है ना, एक बॉडी पे एक नट पे, देखिए ये नट पे आ रहा है मतलब इस समय इसके बॉडी में करंट भी आ रहा है। इसी फैन को हम बाइंडिंग करेंगे। चलिए इसको हम खोल करके आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है, आखिर इसको हम फिर से बाइंडिंग करना क्या जरूरी है। तो देखिए इसको ओपन करने के लिए हमारे पास तीन स्क्रू होते हैं, बाकी ये जो दो होते हैं ये दो दो जो एक जगह होते हैं, डू नॉट रिव्यू, ये पत्ती वाले होते हैं हमारे। इसमें हम फैन की पत्ती लगाते हैं, इसको खोलिए, इसको हम फैन की पत्ती लगाते हैं इसमें, हाथ से खोलिए। और यहाँ पर देखिए इसको हम तीनों को सबसे पहले जल्दी जल्दी में खोल लेते हैं इसका। और ये हमारा जो होता है देखिए 1200 mm में है और ये 50 वाट का वैसे फैन है, 50 वाट मतलब 50 वाट की लाइट पे चलता है, इसको हम इन्वर्टर फैन बोलते हैं इसको। और जो नॉन इन्वर्टर वाला फैन होता है उसमें क्या डिफरेंट होता है, वो 60 वाट लाइट लेता है, 10 वाट लाइट का डिफरेंट होता है और कुछ नहीं। इसको खोलने का तरीका हमारा स्क्रू खोल दिया, अब हम यहां से थोड़ा सा इस वायर को तिरछा कर लेते हैं। वायर को तिरछा करने से क्या होगा, इस वायर को अगर हम ठोकेंगे ये टूटेगा नहीं, कहीं हैमर रख लेते हैं हम चाहे तो इसको, अगर हम जमीन पे नहीं तो ठोकेंगे, अगर ये नहीं निकलता है तो कहीं भी हम जमीन पे रख करके ठोक लेते हैं इसको। इस प्रकार से हम कहीं भी जमीन पर रख करके अगर ठोक लेंगे आसानी से तो ये निकल जाएगा। और यहाँ से देखिए इसको निकाल लेते हैं हम बाहर, और इसके साथ स्टेटर भी निकल रहा है, तार को अब हम सीधा कर लेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए इस फैन के अंदर की देखिए क्या क्या हुआ है, देखिए इस फैन में अंदर की जो बाइंडिंग है, अंदर वाली बाइंडिंग जल चुकी है, बाहर वाली बाइंडिंग सेफ बची है। अब देखिए, अब अगर बाहर वाली जल चुकी होती अंदर वाली बची होती तो हम इसी को सही कर सकते और बाहर वाली केवल दोबारा भर देते, लेकिन इसमें अंदर वाली बाइंडिंग जली हुई है, इसका यह मतलब हुआ बाहर वाली भी हमको काट के निकालना ही पड़ेगा, बिना निकाले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अब हमें जो बाइंडिंग करना है ये पूरे फैन का हम फिर से बाइंडिंग करेंगे, इसके अंदर टर्न की संख्या भी गिनेंगे, इस वायर का नंबर भी बताएंगे कितने नंबर का तार यूज किया जा रहा है। और यहां पर देखिए वैसे हमारे पास अभी हम 35 नंबर का तार ला के रख चुके हैं, इसी वायर नंबर से हम इसको भरेंगे, इसके अंदर चाहे जो भी नंबर निकले, इस नंबर को देखकर अगर सेम नंबर सेम टर्न अगर भरा जाए तो ये मोटर दोबारा फिर से 50 वाट में बन सकता है, लेकिन नंबर के चेंज करने पर ये मोटर 60 वाट लाइट ले सकता है। यहां पर देखिए इसके टर्न में डिफरेंट हो सकता है, अगर हम नंबर चेंज करते हैं, टर्न चेंज करते हैं तब। और उससे पहले देखिए ये पूरा, ये अंदर की पूरी बाइंडिंग देखिए सुलग चुकी है, बिल्कुल देखिए जल चुकी है, एकदम काला हो गया है। और देखिए ये पूरी तरह से इसके अंदर की जो बाइंडिंग है वो जल चुकी है, और ये बाहर वाली बाइंडिंग है, केवल ये जो बची हुई है बाइंडिंग देखिए यहां पर बाहर वाले, तो इसको हम इसमें से भी बाहर निकाल लेते हैं। इसको हल्का हल्का ठोकना होगा हमें दोनों तरफ से, सब तरफ से बाहर निकालने के लिए। जब हमने इसको ओपन किया तो ये देखिए इसका बाहर निकल गया, ये इसका रोटर होता है जो घूमता है, और ये इसका स्टेटर है जिसमें बाइंडिंग किया गया है। तो इसको हमें बाहर निकालने के लिए, हम ये आसानी से अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या करना होगा, ऐसे कोई हमें लोहा या साफ्ट ऐसा कुछ लेकर के सुम्मे के आकार का इसको इसमें डाल करके, और इसको हमें ऐसे ठोकना होगा, इसको हम ऐसे देखिए ठोकेंगे इसमें। अभी तो ये आसानी से निकल गया, कभी कभी ये आसानी से नहीं निकलता है तो इसमें ज्यादा ठोकना पड़ता है, और एक ही जगह पर नहीं,
इधर उधर कई में डाल करके ये जगह जगह से बारी बारी से अगर आप ठोकेंगे तो ये इस बैरिंग से आसानी से निकल जाएगा। इसके पीछे एक स्प्रिंग भी होती है और ये स्प्रिंग अगर खो जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो इसको इस प्रकार से रखिए कि ये स्प्रिंग खोए ना। तो इस प्रकार से देखिए, इसको तो हमने पूरी तरह से निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे इसकी बाइंडिंग को काटेंगे। देखिए वैसे तो ये बाहर वाली बाइंडिंग सही है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसके बाहर वाली बाइंडिंग को हम बचा नहीं सकते, हर हाल में हमको इसको दूसरी बाइंडिंग करना ही होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। ये हमारे पास वायर कटर है और इसके द्वारा हम इसके वायर को काटते हैं। एक तरफ से हम ये देखिए सारे वायरों को ऐसे काट लेंगे, जैसे देखिए इस प्रकार से हमने एक को काट रहे हैं ना, तो सभी को हम ऐसे करके काट लेंगे एक तरफ से। काटने के बाद हम इसको पीछे से प्लायर से पकड़कर खींच लेंगे आसानी से। देखिए यहां पर हमने सभी वायरों को काट दिया है, देखिए यहां पे सबको काट करके हमने अलग अलग कर दिया। अब सबको जब अलग कर दिया तो देखिए कुछ इस प्रकार से, और पहला वाला जब हम खींच के बाहर निकालते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि उसके बगल में एक और होता है ना, दो दो माला होते हैं एक साथ। तो इस प्रकार से देखिए इसको हम सीधा कर लें और इसको पीछे की तरफ से खींच लेंगे, पीछे की तरफ से इसके पिछले सिरे से इसको हम खींच लेंगे, इसमें से बाहर निकाल लेंगे। तो इसको अब हम एक तरफ से देखिए यहां पे बाहर निकल गया और दूसरे तरफ का भी बाहर निकालेंगे ऐसे खींच करके। इस प्रकार से देखिए एक माला ये हमारा बाहर निकला, इसमें से एक, और इस प्रकार से हमें सिर्फ एक ही नहीं सबको खींचकर बाहर निकालना होगा। अब देखिए इसका एक अगर ये पूरा निकला तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसके टर्न को कंप्लीटली गिन लेना चाहिए। तो इसको आप गिन लीजिए, देखिए पूरी तरह से इस प्रकार से ठोक करके, अभी ये वार्निश अगर इस पर लगा हुआ है तो इसको ठोकेंगे ऐसे तो ये थोड़ा सा पतला बन जाएगा, थोड़ा अलग अलग बन जाएगा, मतलब वायर बिखर जाएगा, आप इसको गिन सकते हैं। तो इसको गिनिए तब तक, और देखिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे सभी को बाहर निकालेंगे ऐसे एक तरफ से ऐसे खींचेंगे। और ये हमें ये ध्यान देना होगा कि इसके स्टेटर पे हम बल नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि प्लायर को ऐसे घुमा रहे तो स्टेटर पे बल जाए, अगर ये टेढ़ा हो गया तो फिर दिक्कत होगी, फिटिंग में दिक्कत होगी, भरने में भी दिक्कत होगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो इस प्रकार से देखिए हम एक एक करके ऐसे तार को बाहर निकालेंगे, एक माला देखिए ये बाहर निकल गया, इसी प्रकार से हमें सबको बाहर निकाल लेना है। और देखिए ये कॉपर में बाइंडिंग है तो हम इसको दोबारा जो भरेंगे वो भी कॉपर में ही भरेंगे, और इस प्रकार से हमें सबको निकाल लेना होगा बाहर। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने ऐसे तीन निकाल लिया, तो अभी तीन निकाल लिया और ऐसा ये खाली खाली दिख रहा है, इसी तरह से हमें सभी को बाहर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको पूरा बाहर वाले बाइंडिंग को देखिए काट कर निकाल दिया बाहर, या जो बाहर का वायर है इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद देखिए ये अंदर वाली बाइंडिंग अभी बची हुई जो कि पूरी तरह से जल चुकी है, इसको भी हमें काट कर बाहर निकालना है। तो इसको भी हम बाहर निकालेंगे, सबसे पहले ये एक लीड लगी हुई है इसको भी निकाल लेते हैं, और सभी को जिस प्रकार से हमने बाहर वाली बाइंडिंग को बाहर निकाले और उसी प्रकार से हम अंदर वाली बाइंडिंग को भी काट कर बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हमने इसके पूरे तार को काट कर बाहर निकाल दिया, अब ये बचा हमारा स्टेटर। स्टेटर के अंदर से देखिए सब कुछ बाहर निकाल दिया गया, अब हमें इसमें करना है बाइंडिंग फिर से। तो बाइंडिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले हम इस पीवीसी पेपर, अपना ये हमारे पास पीवीसी पेपर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का पूरा नाम होता है। और देखिए उससे पहले हमारे पास एक बाइंडिंग वायर है, देखिए ये जो बाइंडिंग वायर है देखिए पूरा कंप्लीट पूरा बंडल है, इसमें से कम नहीं किया गया, ये कॉपर का बाइंडिंग वायर है। और ये जो बाइंडिंग वायर आता है उसको हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैसा इसका, इसका जो वेट है पूरा 3 किलो 55 ग्राम है, 3 kg 55 ग्राम इसका पूरा वेट है। लेकिन ये 160 ग्राम का ये जो इसकी बॉडी है, ये जिसमें बेबिन में ये जिसमें लपेटा गया, इसकी जो प्लास्टिक का ये कवर है ना, ये तो ये जो है 160 ग्राम का है, उसमें से घटा लिया गया तो 2 किलो 895 ग्राम ये पूरा टोटल हमारा तार है। जबकि आपके एक मोटर में इतना तार नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम और उससे भी ज्यादा तो 300 तो सबसे लास्ट होता है, वैसे 250 ग्राम में एक पंखा कंप्लीट तैयार हो जाता है, तो 250 ग्राम इसमें से लगेगा। और ये जो तार है ये 35 नंबर का तार है, वायर गेज इसका देखिए 35 नंबर का तार है, और यहां पर देखिए SWG 35 लिखा हुआ है, 35 नंबर का ये तार है। इसको हम इसी तार के द्वारा हम इसमें भरेंगे, इसकी बाइंडिंग करेंगे, और इसको हम यहां पर देखिए सबसे पहले इसके हम कवर को ये निकाल देते हैं, ये इसके ऊपर से लपेटा गया होता है, और ये हमारा तार है। तार को लगाने से पहले सबसे पहले हमें पीवीसी पेपर लगाना होगा। अभी देखिए पीवीसी पेपर भी नंबर के हिसाब से आता है, 5 नंबर 7 नंबर, ये नंबर के हिसाब से आता है। तो अभी यहाँ पर हम जो यूज करेंगे आज ये 5 नंबर का यूज करेंगे, जबकि हमारे पास आपको दिखाते हैं 5 नंबर और 7 नंबर दोनों है, 5 नंबर और 7 नंबर दोनों। ये देखिए ये वजन के हिसाब में आता है, जब मार्केट में इसको खरीदने जाएंगे तो ये वजन के हिसाब में आएगा, मतलब ये कितना बड़ा है, स्क्वायर फिट एरिया हो ऐसा कुछ नहीं है, वजन के हिसाब में आता है। देखिए ये पतला है और ये थोड़ा सा मोटा है, दोनों में डिफरेंट अगर शायद दिख रहा हो हल्का हल्का, ये लाइट ज्यादा मार रहा होगा, ये कम मार रहा है, ये मोटा है थोड़ा सा, ये 7 नंबर है, और ये पतला है थोड़ा सा, ये 5 नंबर है। आज हम जो यूज करेंगे वो अपना 5 नंबर को ही यूज करेंगे, यानी थोड़ा सा पतले वाले को यूज करेंगे, और इसको हम नाप के इसमें से काटेंगे। तो नापते कैसे हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर को इस पे रखना है,
और रख कर इसकी जो मोटाई है किसको कितने दूर पे करना है। देखिए थोड़ा सा इसको बाहर निकालना है, यहाँ पर देखिए लगभग इतना, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ये बाहर निकला हुआ है ना, कि इस स्टेटर से इतना ये बाहर निकला। अच्छा, जितना इधर निकलेगा उतना ही दूसरी साइड भी निकालना है, यानी इसका जो विपरीत साइड है उतना ही इधर भी निकालना है और इसमें से लाइन खींच लेना। हमने देखिए थोड़ा सा निकाल कर छोड़ कर इसको लाइन खींच लिया और यहाँ पर लाइन खींच लिया, थोड़ी थोड़ी दूर पर और भी खींच सकते हैं, बीच में कहीं खींच सकते हैं, थोड़ा सा इधर छोड़ देना है और थोड़ा सा इधर से छोड़ करके ऐसे हमें निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर भी हमने निशान लगा लिया, इसी तरह से हम और भी आगे निशान लगा लें और जब निशान लगा लेंगे तो एक फिट लेकर के उस पर लाइनिंग खींच देना है। देखिए हम ये अंदर की साइड में इसके निशान लगाए थे, यहाँ से ये यहाँ तक इसकी लाइन हमें खींच लेना है, यहाँ पर इसकी हमें लाइनिंग खींच लेना है। देखिए यहाँ से हम इसको लाइन खींच लेते हैं और बाद में अब हम कैंची लेकर के इस पीवीसी पेपर को यहीं से काटेंगे। अब देखिए यहाँ से आप जहाँ से भी निशान लगाए हो बिल्कुल थोड़ा सा दूसरी एक तरफ निकला हो और थोड़ा सा दूसरी तरफ निकला हो, निकाल कर लगा कर निशान लगा के और इसको काट लेना होता है, तो हम इसको लेते हैं। देखिए यहां पे अब हम पीवीसी पेपर को काट लिए और अब हमें इसको लगाना है, तो पीवीसी पेपर हमको लगाना कहां से चाहिए, बाइंडिंग कहां से करना चाहिए, तो देखिए पूरे स्टेटर में यहां पे देखेंगे इसका जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट में यहां पे एक पॉइंट में यहां सुराख बना होता है, क्योंकि यहीं से हम तार को बाहर ले जाएंगे, इसलिए इसी के सीध में लगभग हमको बाइंडिंग को स्टार्ट करना चाहिए, तो इसी के सीध से हम बाइंडिंग को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले अंदर की बाइंडिंग करेंगे। तो ये जो पीवीसी पेपर हमें इसको लगाना है, लगाने के लिए देखिए सबसे ये जो अंदर की बाइंडिंग है यहां से स्टार्ट करना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे इसमें इस प्रकार से पेपर लगाएंगे और पेपर को जब भी पकड़ेंगे हम ऐसे गोल में पकड़ेंगे, ये ध्यान देंगे ऐसे गोल बनना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट मोड़ते हैं ना तो देखिए ऐसा ये मुड़ जाएगा, कैसे वी के आकार का बन जाएगा, मतलब ये टेढ़ा हो जाएगा। तो जब भी मोड़ना है ऐसे बीच में उंगली डाल करके ऐसे गोल बनाकर मोड़ना है और इस प्रकार से इसको हम मोड़ लेंगे। देखिए एक में हमने लगा लिया और देखिए ये दोनों तरफ बहुत थोड़ा थोड़ा निकला हुआ, बहुत सही है। अगर थोड़ा ज्यादा हो जाता है मान लीजिए आपने काटते समय, तो आपको क्या करना चाहिए फिर से कैंची से काट कर इसको बराबर कर लेना होगा, ज्यादा अगर छोड़ देंगे तो बाद में तार बाहर निकला रह जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए अगले में मोड़ना है तो फिर से गोल बनाकर और इसी में हमको इस प्रकार से मोड़ देना है। हमने यहां पे देखिए दो में लगा दिया, अगर ये बड़ा निकल जाता है तो ऐसे खींच के इसको सही भी कर लेते हैं। फिर तीसरे में मोड़ना है, इसी प्रकार से मोड़ देंगे हम, यहां पर देखिए इसको सही कर देंगे इस प्रकार से, और फिर ऐसे एक उंगली बीच में रख करके ऐसे दो उंगली से मोड़ देना, इसी प्रकार से इसको बनाना है इस प्रकार से। और यहां पर देखिए हम फिर अगले में लगा देते हैं, इसी तरह से हम पूरा टोटल में लगा देंगे, सब में लगा देते हैं बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि नहीं पहले ही हम पूरा लगा लें, हमने देखिए इतना लगा लिया तो हम बस करते हैं। चलिए अब यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम बाइंडिंग का तार भरेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास तार है ये 35 नंबर का तार है, 35 नंबर का तार, और 35 नंबर के तार से हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। देखिए जब नया लेते हैं यहाँ पे देखिए टेप लगाया हुआ है, तो इस टेप को हम पहले उखाड़ देते हैं, हटा देते हैं और यही हमारा फर्स्ट वाला तार मिल जाता है, यहीं से हमारा बाइंडिंग स्टार्ट होगी। यहाँ से हम तार को खोल लेते हैं और ये देखिए तार यहाँ से स्टार्ट। अब इसकी बाइंडिंग हमें करना है, बाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास बाइंडिंग वायर है इसको हम नीचे रख लेते हैं, नीचे कहीं भी रख लेंगे ना, नीचे रखने से क्या होगा आसानी से उसमें से तार निकलता जाएगा और हम उसकी बाइंडिंग करते जाएंगे। तो तार की बाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि सुराख के सीध से बाइंडिंग करना स्टार्ट करना है और उसके बाद इसको हम एक जगह, एक तार सबसे पहले ये शुरू का मिला, इसको एक जगह कहीं पर भी बांध लेते हैं, इसको आसानी से ऐसे एक जगह बांध देते हैं और बांधने से क्या होगा कि यही हमारा वो तार होगा जो एक बाहर निकलेगा और इसको हम स्टार्टिंग वन के नाम से जानेंगे। तो यहीं पर हमारा ये देखिए इसको हम एक जगह इसको लपेट देते हैं, बांध देते हैं और अब हमें इसको लपेटना स्टार्ट करना है। पहली बार हम इसको किस दिशा में लपेटेंगे ये कोई जरूरी नहीं होता, किसी भी दिशा में लपेटना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए पहली बार हम यहां से बाइंडिंग करना स्टार्ट करें इस वाले कोने से, एक में से यहां से और यहां, यहाँ पे हमने डाल दिया और ये जो कोने का तार बचा हुआ है इसको आपको दबाकर नीचे थोड़ा सा ऐसे दबा लेना चाहिए। अगर इसको नीचे नहीं दबाते बाद में एक को बार दब जाएगा तो ये जड़ से टूट सकता है और टूट जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने दो राउंड लपेट दिया, इस प्रकार से इसको हमें लपेटना है। हमने यहाँ से दो राउंड लपेट दिया, थोड़ा इसको पकड़िए, देखिए दो राउंड लपेटने के बाद अब हमें इसको भरना और आगे है ना, तो इसको भरने का तरीका क्या है, ऐसे हम पकड़ेंगे दो उंगली यहां रखेंगे और एक हाथ से इसको ऐसे पकड़ेंगे, दो उंगली रखेंगे और उसके बाद इसी हाथ का एक उंगली यहां से लेके जाएंगे, इसी पर रखकर इसमें लपेट देंगे। देखिए ये तीन राउंड हुआ, ये दो और ये तीसरी बार में चला जाएगा, ये चार, ये पांच, ये छह, इसी प्रकार से हमें इसकी बाइंडिंग करनी है। फिर से समझिए इसको, देखिए सबसे पहले जिधर से तार निकला है अभी इधर से निकला है ना, जब हम इसको पलट कर दूसरे में ले जाएंगे तो ये बाएं साइड से निकलेगा तो हमें बाएं हाथ से पकड़ना होगा, तब उल्टा हो जाएगा। लेकिन अभी ये एक साइड से दाहिने साइड से, तो दाहिने हाथ से हम इधर दूर पकड़ेंगे, बाएं हाथ की दो उंगली को बीच में रखेंगे और एक उंगली यहां रखकर इसको पलट के इसी में लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए कुछ इस प्रकार से, यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर थोड़ा दूर से दिखाइए, यहां पर देखिए ऐसे हमारा हाथ एक हाथ से हम पकड़े हुए हैं, दो उंगली यहां बीच में रखे, एक उंगली यहां रखें और यहां पे इसको डाल दिया, ये हो गया पांच, ये हो गया छह, ये हो गया सात, इस प्रकार से इसको भरना है, आठ नौ
10, इस प्रकार से हमको इसको गिनते हुए भरना है। और इसमें जो हम भरेंगे वो भरेंगे इसमें हम 360 टर्न, आज हम भरेंगे इसमें 360 टर्न। यहां से देखिए ऐसे हम भरना स्टार्ट करेंगे और इसको हम भरेंगे टोटल 360 टर्न। यहां पर देखिए जिस प्रकार से ये बाइंडिंग हो रही है इसी प्रकार से हमें पूरा इसको भरना है 360 टर्न। तो इसको हम और आगे भर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये हमारी एक बार बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस बाइंडिंग में तार को देखिए हम कुछ इस दिशा में लपेटे, इस प्रकार से मतलब सीधा दिशा में लपेटा गया, ये इधर से गया तार और इधर से बाहर निकला। अब हम अगले में लपेटेंगे, अगले में हम इस पीवीसी को लगा लेते हैं और अगले में लपेटने के लिए क्या करेंगे इसी का उल्टा, जैसे हमने इसको बाइंडिंग किया है सेम इसी का उल्टा, यानी कि इधर से ले जाकर के इधर से लाके इधर से लाएंगे। मतलब समझिए थोड़ा सा एक राउंड हम इसको निकाल के दिखाते हैं। देखिए जैसे इधर से ये तार है और यहां से ये तार गया इधर और यहां से आया और फिर अब ये इधर से जाएगा और इधर से आएगा। मतलब देखिए इस माला का तार भी इधर ही से निकल रहा था और इसका भी इधर से ही निकल रहा है लेकिन ये उल्टा भरा जा रहा है। अब देखिए यहां से ये इधर से लपटाएगा और अब इसको हमें लपेटने के लिए हम अपने इस बाएं हाथ से दूर पकड़ेंगे क्योंकि ये बाएं तरफ निकला हुआ है। बाएं हाथ से दूर पकड़ेंगे, ये दो हाथ दो उंगली लगाकर एक उंगली यहां पे लगा के ऐसे हम लपेटेंगे। देखिए ये तीन राउंड हो गया, 4, 5, 6, 7 कंडीशन हमारी सेम है, 7 राउंड हमने लपेट दिया। उसी तरह से हम आगे लपेटेंगे। देखिए पहले ये दो दूर पकड़ेंगे, दो उंगली यहां रखेंगे और एक उंगली यहां रखकर इसको लपेट देंगे। 8 राउंड हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। इसी प्रकार से इसको गिनना है और इसमें भी हम लपेटेंगे टोटल 360 टर्न। और जब ये 360 टर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगले में जाएंगे फिर हम उसका उल्टा कर देंगे, यानी उस दिशा में जैसे हम पहले वाले को लपेटे थे। मतलब एक बार उल्टा और एक बार सीधा करते हुए हम पूरा फाइनल कंप्लीट लपेट लेंगे, वो हम आपको अब लपेट के दिखाते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हम इसको लपेटते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर की बाइंडिंग को कंप्लीट कर लिया और ये जो टर्न है ये 360 टर्न में पूरा हो गया। जब 360 टर्न में पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारे पास दो तार इसी प्रकार से निकल जाएंगे, एक तो शुरुआती वाला निकला हुआ था और एक लास्ट से निकल जाएगा, तो दो तार मिल जाएगा। हमने देखिए यहाँ पर टेप मार दिया, ये टेप इसलिए लगा दिया गया ताकि ये तार यहाँ से भी बाहर ना जाए या छूट ना जाए। अभी इसमें गट्ठी मारने से अच्छा है कि हमने इसमें टेप मार दिया। और देखिए ये जो पीवीसी पेपर पे आपको टेप लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पीवीसी पे टेप लगाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पीवीसी के अंदर जोड़ है, यानी पीवीसी में जोड़ बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं कि नहीं एक ही पेपर इतना लंबा काटे कि पूरा एडजस्ट हो जाए, नहीं, दो तीन स्लॉट में भरने के बाद अगर वो खत्म हो जाता है दूसरा भरा जाता है तो भी आराम से जोड़ सकते हैं। ऐसे आप उसमें टेप मार सकते हैं या स्टेपलर लगा के पेंच मार सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बाइंडिंग हमारी कंप्लीट होती है एक बार उल्टा एक बार सीधा करते हुए। 360 टर्न हमने पूरा लपेट दिया। ये 35 नंबर के तार से लपेट रहे हम, ये नंबर देखिए 35 नंबर का तार है। नंबर में डिफरेंट होने से क्या फर्क पड़ता है कि नंबर की अगर नंबर बढ़ रहा है तो मोटाई कम होती है, नंबर घट रहा है तो मोटाई बढ़ती है, उसी हिसाब में हमारा ये 35 नंबर का तार हमने यूज किया है। अब देखिए जब हम इसका एक बाइंडिंग कंप्लीट कर लिए तो होगा क्या, ये पीवीसी पेपर देखिए ऊपर से दिखाई दे रहा है और ये जो हमने बाइंडिंग कंप्लीट किया इसमें ये स्टार्टिंग की बाइंडिंग है। अब जो हम भरेंगे वो रनिंग बाइंडिंग होगा, तो रनिंग बाइंडिंग भरने के लिए हमें जगह बनाना होगा। तो जगह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए कैंची से इस प्रकार से सभी को काट लेते हैं, सिर्फ एक को नहीं सभी को काट लेते हैं, पूरा सभी को जितना भी इसमें है। ये कितना होगा, ये 14 है ना, क्योंकि 14 सलाट का मोटर है तो 14 है, तो इसमें हम पूरे को देखें कैंची से काट करके इसको अलग कर देते हैं, इसको सभी को अलग अलग कर देते हैं, बिल्कुल निकाल देते हैं इसमें से। अब देखिए यहाँ पे हमने सबको काट कैसे सीधा सीधा अलग कर दिया, अब क्या करेंगे इसको हम यहाँ से इसको काट करके इसको भी निकाल देंगे। ये जो ऊपर निकला हुआ पॉइंट है यहाँ से हम इसको भी निकाल देंगे और ये हो जाएगा बराबर बराबर, पूरा पॉइंट सभी का हो जाएगा बराबर। इस प्रकार से हम इसको भी निकाल देते हैं। तो देखिए यहां पर हमने इसको भी निकाल दिया और यहां से पूरा कंप्लीट निकालने के बाद देखिए इस प्रकार से टोटल हमने निकाल दिया। और निकालने के बाद हमको एक टेस्टर की जरूरत पड़ेगी और इस टेस्टर से हम करना क्या है, इसको दबाना। ये जो पीवीसी अभी निकला हुआ दिखाई दे रहा है ना ऊपर, आप चाहे तो इसको बराबर से काटिए, बढ़िया से काटिए, बाहर ना निकला रहे, और थोड़ा निकला अगर है तो इसको हमें इसी में दबाना है। और दबाने का तरीका यही है कि ये पीवीसी के ऊपर से इसके अंदर डालना है। ध्यान दीजिएगा अगर पीवीसी के नीचे से जाएगा तार पे अगर पड़ा तो तार टूट जाएगा कट जाएगा, लेकिन तार पे नहीं जाना चाहिए, इसको पीवीसी के ऊपर से जाना ऐसे लगा करके। और इधर वाले हाथ से देखिए इसको हम पीवीसी पेपर को ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे इसको पकड़े रहेंगे, फिर इधर वाले पेपर को उसी में करके ऐसे दबाना है और उधर कर देना है। एक बार उधर दबाना है एक बार इधर दबाना है, इस प्रकार से देखिए इधर दबाना है और फिर उधर दबाना है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे देखिए इसको मोड़ देते हैं, यहां पर देख लेते हैं ये बिल्कुल भी बाहर नहीं होना चाहिए, इसको पूरी तरह से मोड़ देते हैं। और मोड़ने के बाद इसके ऊपर हम छोटा सा ये जो लाख हमने ये जो पीवीसी पेपर कटा है अभी अभी, तो इसी में से हम चाहें तो इसमें एक लाख ऊपर से अगर लगा देते हैं तो ये बढ़िया तरीके से लॉक हो जाता है। बाकी अगर यहां लॉक नहीं लगाए तो कोई बात नहीं है, लॉक हम ऊपर वालों में लगा देते हैं, ऊपर वालों में थोड़ा लगाना ज्यादा व्यवस्थित होता है, ज्यादा अच्छा होता है। और यहां पर अगर हम नहीं भी लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लॉक को हमें इसी प्रकार से इसमें लगाना है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। ठीक है, यहां पर एक तो हमने ये लगा दिया, अब इसी प्रकार
प्रकार से हमें सभी को मोड़ना है। यहाँ पर देखिए इसी को भी अगर मोड़ना है तो हम एक बार दाहिने एक बार बाएं, एक बार दाहिने एक बार बाएं, बस ये ध्यान देना जैसे अभी ये झटके से ऐसे हुआ ना, अगर ऐसे होगा तो कभी कभी ये कोई एक तार बजाएगा और टूट जाएगा, तो यही ध्यान देना कि ऐसा ना हो कि ये झटका लगे और ये तार टूट गया। तो बिल्कुल आसानी से बिल्कुल आराम आराम से आपको इसी प्रकार से इसको मोड़ना है और सिर्फ एक को नहीं सभी को इसको मोड़ देना है, इसी प्रकार से कंप्लीटली सबको मोड़ देना है। तो देखिए यहां पर हमने इसको सभी को जो ये पीवीसी पेपर था सभी को लॉक कर दिया, मतलब सभी को दबाकर इसको अंदर कर दिया। देखिए इसमें सभी को जितने थे सभी को लॉक कर दिया। अब हम क्या करते हैं, चलिए वैसे लॉक करने से पहले भी हम कर सकते हैं, ये जो दो वायर है एक बार हम इसको कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कहीं ये जो हमारा लॉक करते समय कहीं पे कोई तार टूट तो नहीं ना गया है, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये देखिए हमारे ये दोनों तार हैं, इन दोनों तारों को हम बराबर से पहले काट देते हैं, ये जो हमारे दोनों तार है ये बराबर से काट देते हैं, वैसे अभी इतने बड़े की जरूरत नहीं, बाद में छोटा कर लिया जाएगा, अभी हम इसको बराबर से काट देते हैं। और काटने के बाद ये माचिस से जलाएंगे और इसको इसके ऊपर इंसुलेटर होता है उसको हमें हटाना पड़ता है। जैसे अगर ये देखने में लग रहा है कि ये तार नंगा है तो ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर इंसुलेटर होता है और इसको हमें जलाकर छीलना पड़ता है, तो इसको साफ करना पड़ता है। इसके ऊपर जो इंसुलेटर लगा होता है इसके ऊपर एक पेंट लगा होता है, इसका नाम होता है एनामेंट पेंट, यहां पर लगाकर इसको हम साफ कर लेते हैं। हमने इसको देखिए साफ कर लिया। जब ये एल्युमिनियम का तार होता है ना तो जब हम माचिस से गर्म करते हैं तो ये जल के पिघल के खत्म हो जाता है, लेकिन यह कॉपर का तार है तो जब हम गर्म करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। जब हम इसको इंसुलेटर को हटा लेते हैं, इसके पेंट को हटा देते हैं, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहां पर देखिए हमने इसके इंसुलेटर को हटा दिया और ये हमारे पास अब दो तार बच गए। अब हम क्या करेंगे, सीरीज लेंगे अपना और ये सीरीज के द्वारा क्या करेंगे, इसकी हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ये दोनों पकड़िए यहां पे, इसकी हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे और इसकी कंटिन्यूटी देखिए कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो सीरीज को आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए, पावर आ रही है सीरीज में कि नहीं आ रही है। सीरीज में देखिए बल्ब जल रहा है, सीरीज में लाइट आ रही है, चेक करिए फिर से एक बार, सीरीज में देखिए लाइट आ रही है। और अब हम एक पे इस पे और एक दूसरे पे रखकर चेक करिए, और अगर ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है इसका ये मतलब हुआ कि कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब सही है। और ये बल्ब जल भी रहा है लेकिन फुल नहीं जल रहा है, कम जल रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि ये बाइंडिंग सही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक तार पर रख कर और एक इस बॉडी पर रख के चेक करना चाहिए, और बॉडी पर चेक करने का मतलब ये हुआ इसके इसमें बॉडी अर्थ तो नहीं ना है, और वो किसी में एक पर रख सकते हैं, चाहे इधर दाहिने वाले पे या बाएं वाले पे, तो एक बॉडी पर रखिए, कहीं पर भी नीचे रख सकते हैं, इस लोहे पर रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए बॉडी अर्थ इसमें नहीं आ रहा है, एक यहां पे तार पे रखने के बाद और एक बॉडी पे रखने के बाद ये बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब बॉडी में करंट नहीं आ रहा है, यानी अभी तक की जो बाइंडिंग हुई है इस फैन की बहुत बढ़िया हुई है कि इसमें बॉडी अर्थ भी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस तार को हम फिर से अपना जैसे टेप हमारा लगाए थे हम और फिर से वैसे लगा देते हैं, हमने इसको चेक तो कर ही लिया कंप्लीटली, अब हम इसमें टेप लगा देते हैं और उसी तरह से अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे रनिंग वाले। देखिए हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग कंप्लीट कर लिया और ये सक्सेस रहा, हमने चेक भी कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाइंडिंग करेंगे इसकी रनिंग बाइंडिंग। देखिए बाहर की जो बाइंडिंग है वो रनिंग बाइंडिंग है, इसलिए रनिंग बाइंडिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रोटर के करीब होती है, रोटर के करीब है इसलिए इसे हम रनिंग बाइंडिंग बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा तार है निकला हुआ यहां पर देखिए थोड़ा सा तार ये उधर गया, इसको हम क्या करते हैं सबसे पहले नीचे रख लीजिए, यहां पे नीचे रख लेते हैं, और नीचे रखने के बाद इसको देखिए हम यहाँ पे इसको हम भरेंगे यहाँ से, और फिर चाहे तो हम इसी तरह से बांध लें और या टेप लगा दें, तो पहले अभी हम जल्दी में इसको बांध ही देते हैं और बाद में इसको टेप भी लगा सकते हैं, और वैसे बांध देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बांधने में वही डर रहता है कहीं टूट ना जाए बांधने में, और जितना दूर बांधेंगे उतना तार भी तो खराब हो जाएगा, यही सारी दिक्कतें हैं। और जो बाहर का हम बाइंडिंग करने जा रहे हैं उससे पहले हमें बाहर के लिए पीवीसी पेपर भी काटना है, तो पहले हम पीवीसी पेपर काट लेते हैं। कि यहाँ पर हमने पीवीसी पेपर को काट के निकाल लिया इतना पतला, जिस प्रकार से हमने पहले में काटने के लिए किया था उसी प्रकार से, और अब हमें बाइंडिंग करना है, तो बाइंडिंग करने का जो सीधा है वो वहीं से करेंगे जहां से हमने पहले किया था, ये जो सुराख बना हुआ है यहीं से हमें तार को बाहर निकालना है, इसलिए यहीं से करेंगे। तो इसी के सीध में देखिए सबसे पहले अपना पीवीसी पेपर लगाना यहीं पर, तो देखिए इस प्रकार से वैसे ही हमें गोल मोड़ करके लगाना होगा, जिस प्रकार से हम मोड़ते हैं, अगर डायरेक्ट मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, तो देखिए इस प्रकार से करके हमको सभी में लगा लेना है, और जो ज्यादा ऊपर बचता है उसको हमें खींच करके टाइट भी कर लेना है। देखिए जिस प्रकार से ये जो ज्यादा बचेगा उसको खींच के टाइट कर लेंगे, पूरा लगाने के बाद भी टाइट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से इसके अंदर पीवीसी पेपर लगाएंगे हम, और इसी प्रकार से अंदर भी तो लगाए थे, तो तरीका हमारा यही है। अब हम तार को लपेटना स्टार्ट करेंगे, पहले हम कहीं भी लपेट सकते हैं और किसी भी दिशा में लपेट सकते हैं। देखिए हम यहां पे लपेट रहा हूं, इसको थोड़ा सा दबा लेना चाहिए तार को, और दबाने से क्या होगा ये टूटेगा नहीं। देखिए इस प्रकार से कुछ हमें लपेटना और गिनना है,
तो जिस दिशा में हम लपेट रहे हैं अभी देखिए उसी तरह से हम यहाँ पे लपेट रहे हैं, और शुरुआत तो किसी भी दिशा से कर सकते हैं। इस तार को हमने यहाँ पे नीचे इसलिए दबा लिया ताकि ये टूट ना जाए, अगर ये टूट जाएगा फिर बाद में दिक्कत होगी अगर ऐसे सीधा रहेगा तो, लेकिन इसीलिए नीचे दबा लिया गया। अब हम देखिए इसके ऊपर लगा करके और आसानी से इसको हम लपेटते जाएंगे, जिस प्रकार से हमने अंदर की बाइंडिंग किया था उसी प्रकार से इसके हम बाहर की बाइंडिंग करेंगे इसी प्रकार से। और देखिए अब की बार हम दाहिने हाथ से जब पकड़ रहे थे वही हमारा बाएं हाथ से हो जाएगा, यानी कि या तो हम एक बार उल्टा या सीधा भरे या पहली बार हम किस दिशा में भर रहे हैं उसी के हिसाब से हम आगे भरते जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए जल्दी जल्दी इसको भी लपेटेंगे हम, और इसको लपेटेंगे टोटल 340 टर्न पूरा इसको हमें लपेटना है। अब हम इसको थोड़ा सा और लपेट के आपको देखिए अभी यहां पर हम देखिए इसको बाइंडिंग को कंप्लीट लगभग कर चुके हैं, लेकिन ये पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए अभी आधा इसको भर चुके, 1, 2, 3, 4, 5 माला भर दिया, अभी ये छठवां भर रहे हैं। यहां पर देखिए इसको ये छठवां माला हम भर रहे हैं, और ये जिस प्रकार से रनिंग भरा गया सेम उसी प्रकार से भरा जा रहा है। ऐसे देखिए पीवीसी ऊपर हो रहा है, और ये पीवीसी अभी आगे खत्म होने वाला, या तो अट जाएगा इसी में इतना हो जाएगा, या तो फिर इसको आगे और लगाना ही पड़ेगा, ये खत्म हो जाएगा। तो आगे जब हम लगाएंगे इसको तभी आपको दिखाते हैं, और उससे पहले देखिए इसी प्रकार से हमें बाइंडिंग करते जाना है। जैसे ये टर्न को गिनना जरूरी है, अगर 2, 4, 5 टर्न आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको गिनना जरूरी है। तो इसको हमें इसी प्रकार से आसानी से ऐसे ही बस भरते जाना, इसको भरते जाना। आप इसको चाहे किसी भी तरीके से पकड़ सकते हैं, जैसे हमने ऐसे पकड़ लिया, अगर आप चाहें तो ऐसे पैरों के पास रख कर भी इसको ऐसे बाइंड कर सकते हैं। जैसे ऐसे रखेंगे तो पकड़ने में ये भी आसानी हो जाएगी, इस प्रकार से इसको आप बाइंडिंग कर सकते हैं। जैसे भी इसको पकड़ के, मतलब इसमें लपेटने से मतलब है, जितना बढ़िया से आप लपेट सकते हैं, चाहे ऐसे पकड़ के रखें चाहे कहीं भी, और इसको किसी भी तरीके से लपेटे, बस लपेटने से मतलब है। तो इसी प्रकार से इसमें हम लपेटेंगे इसको। तो देखिए इस प्रकार से टोटल हमें इसकी बाइंडिंग करनी है। अब हम कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहां पर हम इसकी बाइंडिंग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और लास्ट वाला तार भी जो हमारा है वो बाहर निकल चुका है। ये देखिए दो तार इसमें, ये बाहर वाले से निकले हुए हैं, दो तार अंदर वाले से निकले हुए हैं, यानी कि टोटल तार निकल गए। अब हम इसको यहां से काट करके और इसको हम चेक कर लेते हैं कि मतलब कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अभी तो हमको कंफर्म पता है कि हां कि कंटिन्यूटी आएगी, क्योंकि ये तार कहीं टूटा नहीं, कहीं जोड़ नहीं है। उससे पहले हम तब तक क्या करते हैं, पहले हम इसको लॉक भी कर लेते हैं, ताकि लॉक के टाइम में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक ही बार हम चेक करेंगे और कंफर्म हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने अंदर वाले को देखे पहले इसी प्रकार से काट के अलग किया था, उसी तरह से अब हम बाहर वाले को भी काट कर ऐसे अलग करेंगे। पहले पीवीसी को इस प्रकार से काट लेंगे, तो सभी को काट लेते हैं। तो यहां पर देखिए पीवीसी को हमने पूरी तरह से कंप्लीट काट लिया है। अब काटने के बाद ये जो बचा हुआ भाग है इसको हम बाहर निकालेंगे। अब की बार बाहर निकालते समय हमको ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि ये तार कभी कभी यहां से भरने के बाद यहीं से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, तो ज्यादा ध्यान देना होता है कि कहीं ये तार ना कट जाए। तो इस प्रकार से सभी तारों को बचा करके और इसको हम बढ़िया तरीके से ऐसे काट करके और इसको निकालेंगे, बिल्कुल अलग कर लेंगे इस प्रकार से, एकदम एक एक करके अलग कर लेंगे सबको एक एक को। बस ध्यान ये देना कि कहीं पर कोई तार ना कट जाए, और इसको हमें जितना नीचे से हो सके हम उतना नीचे से इसको काट देंगे। अब इस प्रकार से देखिए हमने जब काट दिया कंप्लीटली, तो चारों तार हमारे ये बाहर निकले हुए हैं। इसको अब हमें ये स्क्रू ड्राइवर से, ये पेचकस से इसको क्या करना है, इसमें घुसाना है, अब की बार ये लॉक करना है। तो देखिए इसको अंदर लॉक करना बड़ा आसान होता है बाहर की अपेक्षा, मतलब अंदर जब हम लॉक कर रहे थे थोड़ी समस्या हो रही थी, लेकिन बाहर लॉक करना बिल्कुल आसान होता है। देखिए बिल्कुल एक बार मतलब एक तरफ करेंगे और दूसरी बार दूसरी तरफ करेंगे, ये पूरा लॉक हो जाता है। और इसी प्रकार से हमको सभी को लॉक कर लेना है, और लॉक करने के बाद ये जो छोटे छोटे पीवीसी पेपर नीचे गिरे हुए हैं ना कटा हुआ, ये इसके ऊपर से हम इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने से क्या होगा, ये और भी बढ़िया तरीके से लॉक हो जाएगा, और अगर ये बड़ा पड़ रहा है तो इसको काट करके छोटा भी कर लेंगे, मतलब इतना कर लेंगे कि इसमें एडजस्ट हो जाए और आसान तरीके से इसमें चला जाए। जैसे देखिए यहां पर इसके अंदर हमको अगर लगाना है इसको लॉक को, तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लगाएंगे, किसी में भी लगा देते हैं। देखिए इस प्रकार से ऐसे लगा करके इसको इसमें धक्का दे देंगे और ये लॉक हो जाएगा पूरी तरह से, बिल्कुल पैक, और बाहर अब नहीं दिखाई देगा। तो इसी तरह से हमको सभी को लॉक कर लेना होता है। इसी प्रकार से एक बार स्क्रू ड्राइवर से पेचकस से इस प्रकार से दबाना एक तरफ, और दूसरी बार में दूसरी तरफ, ये एक ही बार में आसान तरीके से पूरा पैक हो जाता है, पूरा लॉक हो जाता है, इसमें देरी नहीं लगती। तो देखिए यहाँ पे जो इसके किनारे किनारे के सभी लॉक है उसको हमने सभी को दबा दिया, सभी को स्क्रू ड्राइवर अपने पेचकस के द्वारा इससे सबको लॉक कर दिया, और सबके ऊपर अगर हम लॉक लगाना चाहें अलग से छोटा वाला तो लॉक लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो कोई बात नहीं है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अंदर वाली बाइंडिंग का तो हमने पहले ही कंटिन्यूटी चेक कर लिया था, अब ये जो बाहर के दोनों तार हैं इसी की कंटिन्यूटी हमको चेक करना है। तो इसको माचिस से जलाइए यहां से, और इसके दोनों तारों को सबसे पहले हमको इसको भी माचिस से जलाना होगा। इसके ऊपर का इंसुलेटर, इसके ऊपर एक पेंट होता है, इसका नाम होता है एनामेंट पेंट, और इसको हमें क्या करना होगा, उस पेंट को हटाना होगा ताकि इसमें कंटिन्यूटी मिले। अब इसके बाद हम इसमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अब ये सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही कि नहीं। तो ये रेजिस्टेंस के साथ बताना चाहिए, हम अगर मल्टीमीटर से चेक करते तो कुछ नंबर बताता, लेकिन अभी हम यहां पर सीरीज से चेक करेंगे। इसके द्वारा, इस सीरीज के द्वारा हम इसको चेक करेंगे। यहां पे ये दोनों वायर हमारे सीरीज बन गए, और इन दोनों वायरों को हम अभी बोर्ड में लगाएंगे।
और पहले आप इसको डायरेक्ट एक बार चेक कर लीजिए, अभी जल रहा है कि नहीं जल रहा, डायरेक्ट एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए डायरेक्ट चेक करने पे ये जल रहा है, अंदर के दोनों तार को हम यहाँ कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए ये दोनों तार हैं, इन दोनों तारों को हम एक एक को एक एक पॉइंट पर रखते हैं, यहाँ पर एक एक को एक एक पॉइंट पर रखते हैं और कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, बल्ब जलना चाहिए। अगर बल्ब जलेगा तो समझिए कि ये बाइंडिंग सही है, बल्ब नहीं जला तो समझिए बाइंडिंग खराब है, मतलब कोई दिक्कत है। यहाँ पर इधर किनारे चेक करिए ना, क्योंकि हम लास्ट में छीले हैं, लास्ट में इंसुलेटर को हटाएं तो इसलिए लास्ट में बताएगा, अगर इधर कहीं बीच में रखेंगे तो नहीं बताएगा। ये बल्ब देखिए जल रहा है और डायरेक्ट जला, ये देखिए कितना तेज जल रहा है, और इस पे रखने के बाद देखिए डायरेक्ट कुछ ज्यादा जल रहा है और इस पे रखने के बाद कुछ कम जल रहा है, तो मतलब इसका ये हुआ कि ये सही है। अगर ये डायरेक्ट भी पूरा इस पे रखने के बाद भी तेज जलता तो इसका मतलब ये होता कि ये डायरेक्ट जा रहा है, मतलब शॉर्ट है। अब बॉडी अर्थ चेक करना है तो देखिए एक तार पे रख के अगर बॉडी पे चेक कर रहे हैं तो इसमें देखिए बॉडी में करंट आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं इस पंखे में करंट भी आ सकता है। तो इसका कारण क्या होता है कि कहीं इसकी जो बाइंडिंग की गई होगी वो बाइंडिंग कहीं इस बॉडी से टच होगी, चलने को तो चलेगा ये फैन लेकिन दिक्कत क्या होगी, इसके बॉडी में करंट आएगा। एक बार फिर से यहाँ से चेक करिए, एक पार पे एक पॉइंट पे बॉडी पे, बॉडी पे बॉडी अर्थ, एक तार को हम यहाँ एक को तार पे रखेंगे और एक थे बॉडी पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है और कंटिन्यूटी अगर बताएगा तो समझिए बॉडी अर्थ आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं बताएगा तो बॉडी अर्थ नहीं है। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगर इसके अंदर बॉडी अर्थ आ ही गया तो हमको क्या करना चाहिए, इसको सभी को चेक करना चाहिए कि जितनी बाइंडिंग किया गया कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक बाइंडिंग ऐसी हो जो पीवीसी से अलग हो और सीधे बॉडी में टकरा रही हो, तो इसको हमें सभी को क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे अलग कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इसको उठा देना चाहिए कि कोई भी तार कहीं अगर होगा बॉडी से टच होगा तो उसको हम देख करके इसको ऐसे अलग कर लेंगे। तो इसको हम पहले सही कर लेते हैं, एक एक तार को अलग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहां पर हमने इसकी जो इसके जितने वायर थे सभी को ऐसे अलग कर दिया। अब इसको हम एक बार आपको बॉडी अर्थ इसका डायरेक्ट चेक करके दिखाते हैं, अब इसका बॉडी अर्थ सही हो गया होगा। तो यहां पर देखिए हमने सभी तारों को अलग कर दिया, ये डायरेक्ट चेक करके जला रहे हैं, देखिए ये सीरीज मतलब कंटिन्यूटी आ रही है और बॉडी में चेक कर रहे हैं मतलब कंटिन्यूटी नहीं आ रही, मतलब ये बल्ब नहीं जल रहा है, इसका ये मतलब हुआ अब इसमें बॉडी अर्थ नहीं आएगा, इसके बॉडी में करंट नहीं आएगा क्योंकि कोई तार कहीं बॉडी में टच था इसलिए इसमें करंट आ रहा था। तो इस प्रकार से देखिए चलिए, तो ये हमारा देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो चारों तार हैं, सबसे पहले तो हम अब हमारे ये चारों मेन तार हो गए और इससे हमें मेन लीड निकालनी है, मेन लीड और ये चारों के चारों हम बाहर लेके जाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉमन अंदर बना दें और बाहर सिर्फ तीन तार लेके जाएं जिसमें एक कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए चारों तार इसमें बड़ा नहीं निकलना चाहिए तो चारों को बराबर साइज में हम काट देते हैं, चारों को लगभग थोड़ा सा छोटा करके और बराबर साइज में लगभग इसको हम काट देते हैं और फिर माचिस से गर्म करेंगे इसको और माचिस जलाकर इसको साफ कर देंगे चारों को एक साथ। ये जो चारों तार हैं सबको बराबर साइज में काट दिया और चारों को हम माचिस से गर्म करेंगे। देखिए इस प्रकार से यहां से माचिस से हम गर्म कर रहे हैं अभी, तो देखिए ऐसे गर्म करेंगे, हाथ से पकड़ने में कभी कभी ये हाथ गर्म हो जाता है, जलने भी लगता है, बहुत तेजी से जलता है। तो यहाँ पर हम इसको गर्म कर दे रहे हैं और अगर ये एल्युमिनियम का होता और ज़्यादा गर्म हो जाता तब तो ये पिघल के खत्म भी हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। और अगर कापर का होता है तो कोई बात नहीं है। देखिए ये चारों तार को हमने बढ़िया तरीके से छील लिया, अलग कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसमें लगाना है स्लिप। देखिए ये होती है हमारी स्लिप, स्लिप क्या होती है, एक पतली सी पाइप होती है जिस प्रकार से हमारा कोई तार अगर टूट जाए कहीं से। देखिए यहाँ पर अगर हमारा कोई तार टूट जाए, अभी तो हमने इसमें बाइंडिंग किया तो तार कहीं पर टूटा नहीं, अगर मान लिया कहीं तार टूट जाता तो हम कैसे जोड़ते, जैसे ये तार है अगर टूट जाता तो क्या करते, जैसे यहां से हमने इसको तोड़ दिया, तोड़ के हमने अलग कर दिया इसको। अगर हमें जोड़ना पड़ता तो ऐसा थोड़ी ना कि हम इसको डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे लपेट देते हैं, नहीं डायरेक्ट नहीं जोड़ना होता, हमको लगाना होता है स्लिप। स्लिप मतलब ये देखिए, ये स्लिप एक पतली सी पाइप होती है, ये स्लिप को छोटा सा काट लेना होता है और उसके बाद जैसे देखिए अगर हम जोड़ के एक दिखाई देते आपको, ये जैसे हमने छोटा सा स्लिप को काट लिया और इस कापर के तार में हमको तार को जोड़ना है, तो इस तार में हम क्या करेंगे, स्लिप को इसमें डाल लेंगे, मतलब इस प्रकार से स्लिप को लगा लेंगे अलग। और इसके बाद ये जो हमारे दोनों तार को, जिन दोनों तारों को जोड़ना होगा उसको हम क्या करेंगे, माचिस से जलाकर अलग करेंगे और मतलब जलाकर इसके ऊपर के पेंट को हटाएंगे और उसके बाद इसको हम इसमें लपेट देंगे, पूरा बढ़िया तरीके से इसको लपेट देंगे। और अगर ये एल्युमिनियम का होता है तो इसमें हम सोल्डिंग भी कर देते हैं, सोल्डिंग करके बढ़िया तरीके से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ऐसा ये तार बचता है, इसको एक तरफ मोड़कर और ये जो हमारी स्लिप होती है इसको इसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, बस ये जोड़ हमारा ढक जाता है। मतलब इससे क्या फायदा हुआ, ये टेप अगर इसमें हम नॉर्मल टेप नहीं ना मार सकते, जैसे ये वाला टेप क्या होता है कि जिस प्रकार से हम कोई तार में जब जोड़ बनाते हैं तो टेप मारते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें करंट बाहर ना चला जाए। लेकिन अगर इसमें हम टेप मारेंगे तो ये मोटर है, गर्म होगा ये प्लास्टिक का टेप है, पिघल जाएगा, इसलिए ये इसमें स्लिप लगती है। स्लिप जो इसकी होती है वो हार्ड होती है, ये गर्म होने के बाद पिघलती नहीं है, हार्ड हो जाती है और कठोर हो जाती है। तो यहां पर हमें स्लिप की जरूरत है और इसमें हम जो स्लिप लगाएंगे वो टोटल चार स्लिप लगाएंगे, मतलब चार तार बाहर निकाल रहे हैं ना, तो चारों में एक एक हमको स्लिप लगानी होगी, चारों के लिए हम एक एक स्लिप लगाएंगे। देखिए
चारों तार के लिए हमने ये स्लिप काट लिया और ये इसके अंदर ये जो मोटर के अंदर चारों है इसमें हम चारों में स्लिप लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चारों वायर निकले थे इसमें हमने चारों में एक नंबर वाली स्लिप को लगा लिया, सबसे पहले एक नंबर वाली स्लिप। अब इसमें हमें तार जोड़ना है तो तार जोड़ने के लिए हम कोई भी वायर यूज कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा ये स्टार गोल्ड सोल्डर वायर है, ये सोल्डिंग करने वाला वायर है, इसका प्रयोग हम स्टेबलाइजर वगैरह में करते हैं लेकिन यहाँ पर हम इसमें इसका प्रयोग कर लेते हैं। अगर हम चारों तार चार कलर के लगाएं या फिर चारों एक ही कलर के लगाएं ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए रनिंग और स्टार्टिंग ये हमें पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बाहर का जो दोनों तार है उसको एक कलर से कर लेना चाहिए और अंदर का जो दोनों तार है उसको एक कलर से कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहां पर रेड और ब्लैक दो तार को निकाल लेते हैं, रेड और ब्लैक दो तार को यहां पर निकालते हैं और हम इन्हीं दोनों का यूज केवल करेंगे, बाकी ये जो रेड ग्रीन है इन सबका हम यूज नहीं करने वाले, तो रेड और ब्लैक केवल दो तारों का यूज करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हमको बड़ा निकालना होगा और इतना बड़ा कि मतलब इसको हमें चार चाहिए ना, तो हम इसमें से चार के बराबर इसको काट लेते हैं जितना हम इसमें से बाहर निकालेंगे, इतना बड़ा हम तार को काट लेते हैं। अब देखिए यहां से हमने तार को काट लिया, रेड और ब्लैक ये दो तार हमारे पास हैं, इन्हीं दोनों को हम बाहर निकालेंगे, इसी में से हम दो रनिंग और दो स्टार्टिंग बनाएंगे। यहां पर देखिए इसको बराबर करके एक बार हम इसको और काट लेते हैं, अब इसमें से हमारे पास ये चार तार हो जाएंगे। और अब इस तारों को हमें क्या करना होगा, इसके अंदर ये जो शाफ्ट है यहां से क्रॉस करके इस तार को पहले बाहर निकालना होगा, इसका ये जो सुराग बना हुआ है यहां से हमें इसको बाहर निकालना होगा। तो हम चाहें तो सभी तारों को थोड़ा थोड़ा पहले इसके यहां से अलग करके इसको छील के, तो देखिए यहां पे चारों तारों को हमने क्या किया, एक में ऐसे इसके इंसुलेटर को हटाकर एक ही में जोड़ दिया और अब यहां से हम इसको अंदर करेंगे तो यहां से हमको ये तार अंदर जाएगा और दिखाई देने लगेगा। और इसको हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अगर एक तरफ इसको मोड़ दे तो निकालने में ये थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और यहां पर देखते हैं कि ये किस प्रकार से निकल पाता है और यहां से हम इसको निकालेंगे आसानी से। और निकालने के लिए अगर हम चाहें तो एक तार पहले अंदर डाल लें और दूसरे तार से फिर खींच लें, ऐसा भी कर सकते हैं। यहां पर हमें तार दिखाई देने लगा और अगर हमारे पास कोई चिमटी वगैरह है पकड़ने के लिए तो हम उससे भी पकड़ सकते हैं और पकड़कर यहां से आसानी से खींच लेते हैं कि यहां से ये तार बाहर निकल गया और यहां से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, पूरा खींच लेते हैं। और खींचने के बाद ये जो तार हमने एक ही में जोड़ दिया था सबको हम अलग कर देते हैं और अलग करने के बाद अब हमें इसको देख करके जोड़ना है। ये जो बाहर का तार है देखिए ये बाहर वाली बाइंडिंग है, बाहर का तार है और उसके बाद ये वाली बाहर की है, यानी जो बाहर बाहर है उसको हम किसी एक कलर से जोड़ सकते हैं। ये रेड से जोड़ेंगे कि ब्लैक से जोड़ेंगे ये कोई बात मायने नहीं रखती है, बस किसी एक ही कलर से जोड़ देना ये पहचान करने के लिए कि हाँ ये दोनों बाहर का है, मतलब हाँ ये दोनों कौन दोनों रनिंग का है कौन दोनों स्टार्टिंग का है। अब देखिए इसको जोड़ने से पहले हमको क्या करना चाहिए, वैसे यहां पे हमारे पास ये देखिए पांच नंबर की स्लिप है, हमको तीन नंबर की स्लिप भी यूज कर लेना चाहिए। तीन नंबर की स्लिप यूज कर लेने से और आसानी से ये इसके ऊपर ढका जाएगा। तो यहां पर हम छोटा छोटा इसको काट लेते हैं और इसी के ऊपर हम इन तारों को डालेंगे जो चारों वायर है उन चारों में इसको हम लगा लेते हैं। यहां पर देखिए हमने चार स्लिप डाल लिया और ये पांच नंबर वाली है स्लिप और ये वैसे तीन नंबर की होनी चाहिए, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे इसी प्रकार से सबके एक एक में बिल्कुल एक एक में आसानी से इसको हम अंदर लगा लेंगे। इस प्रकार से देखिए तार को हम थोड़ा और ज्यादा खींच लेते हैं अगर बाहर नहीं मिल रहा, तो ऐसे ही हमें चारों में लगा लेना। ये जो इसके चारों तार थे चारों में हमने यहाँ पे तीन नंबर वाली स्लिप को लगा लेना है और उसके बाद ये जो हमारा तार है बाहर वाला इसको हम ब्लैक कलर में अगर जोड़ रहे हैं तो बाहर वाले को हम ब्लैक में ही जोड़ेंगे। देखिए यहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं इस प्रकार से जोड़ ले रहे हैं और बिल्कुल बढ़िया से जोड़ते हैं। अगर ये एल्युमिनियम की बाइंडिंग होती तो सोल्डिंग करना भी जरूरी हो जाता है, वैसे ये कॉपर की बाइंडिंग है कोई दिक्कत नहीं, इसमें सोल्डिंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। यहां पर हमने ब्लैक वाले को बाहर वाले से जोड़ दिया और यहां पर जोड़ने के हम क्या करेंगे ये जो स्लिप हमारी ज्यादा नंबर वाली है यानी पांच नंबर या तीन नंबर वाली है इसको इसी जोड़ पे ऊपर चढ़ा देते हैं और बाद में हम जो ब्लैक वाला जोड़ चुके हैं वो अगर ज्यादा होता है तो उसको हम खींच लेते हैं बाहर की तरफ और खींच करके इसको बराबर में मिला देते हैं। उससे पहले हम ब्लैक वाला दोनों वाला जोड़ लेते हैं पहले और देखिए ये ब्लैक वाला हमारा ये है और इसको भी हम बाहर वाले में ही जोड़ते हैं। अभी हम आपको क्लियर दिखाते हैं, देखिए ये ब्लैक एक तार देखिए यहां पे जुड़ा हुआ है अंदर से आकर के और एक तार अभी हम ये जोड़ने जा रहे हैं ब्लैक वाले को बाहर बाहर, यानी कि बाहर वाले में दोनों में हमने ब्लैक को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद इसी प्रकार से हमें इसी के ऊपर स्लिप लगा देना, ऐसे ही स्लिप को चढ़ा देना ताकि अब ये हमारा जो जोड़ है वो ढका जाए आसानी से। अब जो रेड वाला तार है उसको हमें अंदर अंदर वाले में जोड़ देना है दोनों के अंदर वाले में। अब देखिए यहां पे हमने इसको जोड़ लिया, चारों तारों को जोड़ दिया, दोनों ब्लैक को हमने बाहर से जोड़ दिया, दोनों रेड को हमने अंदर से जोड़ दिया। अब हम चारों तारों को क्या करते हैं बारी बारी से खींच लेते हैं, एक करके हमको खींचना चाहिए ताकि इसका जो तार है वो कहीं से टूट ना जाए, जो अभी अभी हमने जोड़ा है वो जोड़ पर से ही कहीं टूट ना जाए, तो इसको हमें आसानी से एक एक करके बिल्कुल बढ़िया से खींचना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे दो तारों को खींच लिया, अब हमारा ये जो ब्लैक वाले हैं इनको हमें बाहर निकाल लेते हैं, बाहर खींच लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ब्लैक वाला कौन सा है, यहाँ से हम खींच करके देख सकते हैं कि कौन सा ब्लैक वाला है कौन सा खींचा रहा है अंदर।
क्यों कौन सा तार अंदर आ रहा है, तो उसको देख करके हमको इसी तरह प्रकार से खींच करके इसको टाइट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये चारों तारों को जोड़ दिया है और यहाँ पे लगा दिया अपना स्लिप वगैरह जो कुछ लगाना है। इसको धागा लगा के हम बांध देते हैं, बाकी आप धागा से बांध सकते हैं इसको, टाई अगर आपके पास है तो टाई से भी बांध सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास टाई नहीं मिली थी तो हम इसको धागा से ही बांध देते हैं। इसको धागा से बढ़िया तरीके से बांध देते हैं, यहाँ बीच में ऐसे उंगली रखी तो ये धागा टाइट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से इसको हम धागा से बढ़िया से बांधना है, और ये बांध देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि इधर उधर बिखर ना जाए कहीं, नहीं तो अगर बिखर जाएगा तो क्या होगा, जा करके कहीं पे फंस जाएगा, जब मोटर घूमेगा तो कोई दिक्कत कर सकता है ना। तो इसको हम धागा को काट देते हैं जो एक्स्ट्रा हुआ। तो यहाँ पर देखिए हमने धागा से इसको बांध दिया लगा। तो अब देखिए इस मोटर को हमने कंप्लीट तारों को लगा लिया, यहाँ पे स्लिप लगा लिया, अब हम इसको कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ये कंटिन्यूटी ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। फाइनली लास्ट बार अब देखिए यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये दो ब्लैक तार हैं इन दोनों पे रखते हैं, दोनों ब्लैक वाले पे रखेंगे, बल्ब जलना चाहिए, बल्ब देखिए कहीं भी डायरेक्ट नहीं जलना चाहिए, कम से कम जलना चाहिए। एक तार पे रख के बॉडी से चेक कर लेना चाहिए बॉडी पे लाइट आ रही कि नहीं, तो बॉडी अर्थ इसका नहीं है। अब रेड वाले को हम चेक कर लेते हैं, ये रेड वाला तार है, इन दोनों पे रखेंगे और इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी बल्ब जल रहा है और इससे भी हम एक बार बॉडी पे चेक कर लेते हैं, बॉडी अर्थ देखिए अब नहीं आ रहा है, मतलब ये पंखा पूरी तरह से कंप्लीट सही हो चुका है। मतलब समझ गए आपने, मतलब हमने दोनों ब्लैक वाले पे रखा सीरीज को तो ये कंटिन्यूटी बता रहा है, और दोनों रेड पे रखा तो भी कंटिन्यूटी बता रहा है, और किसी एक पे रख के बॉडी से चेक कर लेंगे, अगर बॉडी में लाइट आ रही तो समझिए बॉडी अर्थ है, नहीं लाइट बता रहा है तो समझिए सही है, बॉडी में कहीं भी चेक कर सकते हैं। वैसे इस शाफ्ट पे चेक करेंगे तो ज्यादा बेटर होता है, कारण यह है कि इसके ऊपर कोई पेंट नहीं होता है तो यह आसानी से करंट इसमें दिखा देता है। ये मल्टीमीटर से चेक करने में नहीं बता सकता है, कभी-कभी नहीं बताता है, लेकिन आप अगर सीरीज से चेक करेंगे तो अगर बॉडी अर्थ रहेगा तो कंफर्म है कि ये बताएगा। अब इस पंखे को हमें पूरी तरह से इसको बांध देना है, बाइंडिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है बढ़िया से, इसको हमें बांध देना है। और लगाने के लिए ये जो स्प्रिंग है ना ये बहुत जरूरी है, स्प्रिंग अगर खो जाती कभी-कभी तो बहुत दिक्कत होती, तो स्प्रिंग को हम चाहे तो इसमें पहले भी लगा लें और लगाकर इसको आसानी से इसको सीधा ऐसे बैठा दें। और इसके बाद ये हमारा इसका रोटर होता है जो घूमता है, ये मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता है लेकिन वह घूमता है उसे रोटर कहते हैं। तो ये रोटर को हमको इसमें लगा लेना है। देखिए रोटर लगाने का इसको कोई सीधा उल्टा नहीं होता है, बस आसानी से इसमें बैठ जाए, जैसे फिटिंग बैठ जाए वैसे। देखिए यहां पर देखिए ये बढ़िया तरीके से पूरा हमारा लगा हुआ है और यहाँ पे हमने रोटर लगा दिया। अब इसके ऊपर की बॉडी को भी हम लगा देंगे और ये जो देखिए इसके ऊपर की बॉडी को लगा देंगे और इसको हम चला करके डायरेक्ट आपको दिखाएंगे कि ये चलाने में स्पीड कैसा दे रहा है, जो भी हमने बाइंडिंग किया कंप्लीटली कैसा। यहाँ पर देखिए इसको हमें फिटिंग करना है, फिटिंग करने के लिए स्क्रूप का पॉइंट हमको देख लेना चाहिए कि ये जो स्क्रूप का पॉइंट है वो कहाँ है, तो उसी सीध में लगभग लगाकर और इसको हमें दबाना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम लगाकर इसमें दबा देंगे और अगर पूरी तरह से ये नहीं भी दबता है तो कभी कभी हम अपना जो इसका स्क्रूप है उस स्क्रूप को लगा लेंगे और स्क्रू को जब हम टाइट करेंगे, स्क्रू को टाइट करते समय ही वो टाइट हो जाता है। बस अगर इतना टाइट हो गया, इतना फिटिंग बैठ गया कि हाँ ये पकड़ लेगा तो समझिए स्क्रू टाइट करते समय हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हमने स्क्रू को तीनों को लगा लिया है और अभी देखिए ये पूरी तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है, पूरी तरह से बैठ नहीं रहा है, तो इसको हम ठोक के बैठा भी सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट अगर टाइट भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आसानी से टाइट भी हो जाएगा और यह बैठ जाएगा। हर तरफ से इसको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा टाइट करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ पूरा फाइनल कंप्लीट टाइट कर दें तो पता चला टेढ़ा भी हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके सब तरफ से इसको बारी बारी से ऐसे टाइट करते रहना है। तो हर तरफ से तीनों तरफ से हम टाइट करेंगे, तीन स्क्रू इसमें होते हैं जिसके द्वारा इसकी बॉडी को हम फिटिंग करते हैं। तो यहां पर देखिए हमने इसको टाइट कर लिया, दो को हमने टाइट कर लिया, यहां पे सभी को हमें टाइट कर लेना है। तो अब देखिए ये तीनों स्क्रू हमारे टाइट हो गए बढ़िया तरीके से और ये हमारा फैन बिल्कुल बढ़िया से घूम भी रहा है। अगर कभी कभी ये फिटिंग सही से नहीं बैठती है तो हमको क्या करना होता है, इधर उधर से ठोकना होता है, जैसे अगर सेट नहीं बैठ रहा है ऐसे घुमाने पे कहीं रगड़ रहा है या कहीं जाम हो रहा है तो इसको हमें ठोकना पड़ता है, इस शाफ्ट को भी इधर से ऐसे करके ठोकना पड़ता है फिटिंग करने के लिए। लेकिन यहां पर हमारा सब कुछ सही बैठ गया इसलिए ठोकना नहीं पड़ेगा। अब हम इस फैन को चालू करके भी दिखाएंगे आपको। तो ये फैन को चलाने के लिए हमें एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। देखिए हमारे पास ये पुराना कैपेसिटर था, इसी को हम लगा लेते हैं। तो इसका कनेक्शन की बात है, देखिए कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। इसके अंदर चार तार निकले हुए हैं जिसमें दो ब्लैक और दो रेड के निकले हुए हैं। तो हमें क्या करना है, एक रेड और एक ब्लैक को एक ही में जोड़ना है। मतलब हम जानते हैं कि इसके अंदर एक रनिंग और एक स्टार्टिंग है, कौन रनिंग कौन स्टार्टिंग अगर ये नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, हम इसको किसी एक में जोड़ते हैं। एक रेड और एक ब्लैक को एक में जोड़ दिया, ये कॉमन बन जाता है। उसके बाद ये जो दो तार बचते हैं इन दोनों में हमें कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों को जोड़ना है। ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसके दोनों पॉइंट को जोड़ना है। तो एक को हम एक में जोड़ लेते हैं, किसी को किसी में जोड़ सकते हैं कोई बात नहीं है, चाहे दाहिने बाएं के कोई मतलब नहीं है, रेड ब्लैक का कोई मतलब नहीं है, यहां पर किसी को किसी में हम जोड़ सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक एक को हमने कैपेसिटर में यहां पर जोड़ दिया और सबसे पहले जब हम इसको अभी चलाएंगे तो इसको हम सीरीज में चलाएंगे। यहां पर सबसे पहले हम इसको सीरीज से चलाते हैं। तो ये सीरीज का दोनों तार पकड़िए और यहां पर हम सबसे पहले यहां पर सप्लाई लगा देते हैं, अभी चलाइएगा मत। तो हम सबसे पहले सप्लाई लगा देते हैं, चेक करिए लाइट आ रही है क्या।
देखिए अभी लाइट नहीं आ रही है, हम इसको दूसरे सॉकेट में लगा देते हैं। अभी चेक करिए लाइट नहीं आ रही, तो यहां पर देखिए ये सीरीज में हमने इसको लगा रहे हैं, और सीरीज में लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चालू करना है। तो ये हमारा कॉमन है, मतलब सीरीज के एक तार को कॉमन पे रखा जाएगा, दूसरे तार को कैपेसिटर के किसी पर रखा जाएगा। सीरीज में चलाने से क्या चेक हो जाएगा कि अगर कहीं शॉर्ट वॉर्ट होता है, मान लीजिए कभी अगर कोई फैन आप चेक करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज में बता देता है। यहां पर देखिए हम एक तार को कॉमन पे रख रहे हैं, दूसरे को कैपेसिटर के रखिए, किसी पे रखिए, देर तक चलाइए, ये चल रहा है। देखिए अब अगर ये उल्टा चल रहा है या सीधा चल रहा है ये देखने की बात है। देखिए स्पीड काफी अच्छी दे रहा है, तो इसको अब हम इसको रोक लेते हैं, और इसको रोकने के बाद इसको दूसरे वाले पे रखिए, एक तार को कॉमन पे और दूसरे को दूसरे वाले पे। देखिए यहां पे दूसरे की तरफ नहीं चल रहा है क्या? अच्छा, या तो तार वहां से हिल गया, डायरेक्ट आप चेक करिए तार हिल गया होगा। देखिए यहां से लाइट नहीं आ रही है ना, इसलिए ये भी तो प्रॉब्लम है, यहां से तार हिल जा रहा है, डायरेक्ट चेक करिए। ठीक है, तो अब देखिए इसके दूसरे वाले पे, यहां पे देखिए ये देखिए दूसरी तरफ चल रहा है, और अगर इसको पलट के इस साइड में रखेंगे तो इसकी दिशा जो है वो देखिए बदल जाएगी। देखिए तो ये दिशा बदल जा रही है, मतलब हमको इसका कनेक्शन में क्या करना होता है कि ये जो न्यूट्रल और ये रनिंग और स्टार्टिंग को एक में जोड़ते हैं, इसको हम कॉमन बना लेते हैं, दो तार जो बचता है इसको हम कैपेसिटर के दोनों पॉइंट में जोड़ लेते हैं, और जो हमारा न्यूट्रल और फेस अगर डायरेक्ट की बात करें तो जो हमारे दो तार आएंगे इसी को हम जोड़ के दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारे न्यूट्रल फेस है, इसको हम यहां से काट लेते हैं और इसी तार को हम इसमें लगा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसके इंसुलेटर को हटाकर और इसी तारों को हम यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए ये दो तार हमारे हैं, इसको हम न्यूट्रल और फेस मान लेते हैं। तो अगर न्यूट्रल और फेस मान लिया तो इसको हमें कॉमन में क्या करना है, एक तार को तो जोड़ ही लेना है कॉमन में, तो एक तार को हमको यहाँ पे कॉमन में जोड़ लेना है, दूसरे तार से हमको इसके किसी भी एक पॉइंट में जोड़ लेना है। अगर पंखा सीधा चला तो ठीक है, उसी में रहने देंगे, और अगर उल्टा चला तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो ये कैपेसिटर और वायर इस प्रकार से पकड़िए, और यहाँ पर इस बोर्ड में हम इसको लगाते हैं, थोड़ा सा देखिए थोड़ा पकड़िएगा ऐसे, और इसको इस प्रकार से उठाना भी है तो आप उठा सकते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भरा है, आप चाहें तो जितने भी तार वार जोड़िएगा सबको टेपेड करके ही चेक करिएगा, ताकि कभी करंट का संभावना ना हो और करंट ना लगे आसानी से, सुरक्षा जरूरी है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों तारों में लगाते हैं, न्यूट्रल और फेस में सीधा सीधा दोनों तरफ लगाते हैं इसको। देखिए ये पंखा चल रहा है हमारा, और ये काफ़ी स्पीड में चलेगा, देखिए स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है, उसको ऊपर उठाइए थोड़ा सा और, देखिए काफ़ी स्पीड में चल रहा है, तो इस प्रकार से चल रहा है, और इसको हम निकाल लेते हैं। अगर ये कैपेसिटर का पॉइंट दूसरे में जोड़ेंगे तो ये दूसरी दिशा में चलेगा, तो उल्टा और सीधा अगर हो रहा है तो आप यहाँ चलाकर चेक कर सकते हैं। और जो हमारा फैन होता है वो घड़ी के आकार में चलता है तो सीधा चलता है, और अगर किसी दूसरे आकार में उसके विपरीत चलता है तो उल्टा चलता है, यही हमारा होता है, यानी कि क्लॉकवाइज उसको हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सीलिंग फैन को बाइंडिंग कर सकते हैं। अब देखिए सीलिंग फैन का कनेक्शन भी कर सकते हैं, आगे जो कैपेसिटर के यहां जंक्शन लगाने वाला होता है वो सब लगा के बिल्कुल आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो इस फैन मोटर को हम आसान से बना सकते हैं। इस फैन मोटर से रिलेटेड अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव रह गया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।